गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत का जश्न अजमेर में मनाया गया। ढोल नगाड़ों पर नाचे मंत्री और जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया विकास की जीत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत के बाद अजमेर में जश्न का माहौल रहा। गांधी भवन चौराहे पर ढोलबाजों के साथ आतिशबाजी कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशियां मनाई। मंत्री वासुदेव देवनानी और मंत्री अनिता भदेल सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने दोनों प्रदेशों की जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए विकास की जीत बताई। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की राष्ट्रीय विकास की नीतियों पर गुजरात और हिमाचल के लोगों ने मुहर लगाई है। कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशल रणनीति ने यह विजय दिलाई है। यह जीत राष्ट्रवाद की जीत है, यह जीत गुजरात में एक विकास की जीत है और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो विभाजनकारी जो नीतियां रही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब गुजरात की जनता ने दिया है और यह जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने पेज प्रमुख और बूथ स्तर पर काम करके लगातार गुजरात में छठी बार जिताया है। निश्चित ऐतिहासिक जीत है। हमने कल कहा था, कल भी हमने जश्न मनाया, आज भी जश्न मना रहे हैं और आगे फरवरी में कर्नाटक में भी मनाएंगे और दिसंबर में राजस्थान में भी। आज गुजरात और हिमाचल के आज भारतीय जनता पार्टी का आज पूर्ण बहुमत हम लोगों को मिला है और इसी जश्न को मनाने के लिए आज हम गांधी भवन चौराहे पर हम सभी एकत्रित हुए। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जिस प्रकार से माननीय हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं और आज हमने गुजरात में और हिमाचल में जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा है, आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण प्रचंड हमारा बहुमत हम लोगों को मिला है। निश्चित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विकास के कार्य करवा रहे हैं ये निश्चित तौर पर आज हम सभी के सामने परिणाम है। आज उन सभी का जश्न मनाने के लिए आज गांधी भवन चौराहे पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे सभी कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में शामिल होकर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम को, जश्न को हम लोग मना रहे हैं।